thank mm -hmm. you हेलो माय ब्यूटी क्वीन्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ मी सुखप्रीत और इस वीडियो में देखेंगे बीबी क्रीम मेकअप ट्यूटोरियल घर में अगर गर्मियों में शादी फंक्शन है या पार्टी है तो मेकअप कैसे करें स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल मैं शेयर करूंगी मार्क्स कॉस्मेटिक के मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आज का ये वेडिंग मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है सो so ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल भी है मार्क्स कॉस्मेटिक के साथ और साथ ही साथ देखेंगे शादी पार्टी के लिए बीबी क्रीम के साथ मेकअप कैसे होता है मेकअप करने का तरीका देखने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया है डमा विवा हाइड्रा क्लेंज़र के साथ ये पीएच बैलेंस्ड फेस वॉश है और उसके बाद मैं न्यूट्रीडम मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ अच्छी तरह से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ ये दोनों ही प्रीमियम स्किन केयर के, के प्रोडक्ट हैं और इनके लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हो प्राइमर के लिए मेरे पास मार्स कस्मेटिक का कोई प्राइमर अवेलेबल नहीं था तो मैं अपना डुई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मेरी ड्राई स्किन है और मुझे डुई और ग्लोइंग प्राइमर यूज़ करना पसंद है शादी पार्टी में मेकअप से पहले ध्यान रखें प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सिलिकॉन बेस प्राइमर आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेंगे ये हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो मास्क कॉस्मेटिक ने मुझे सेंड किए हैं अब आके मेकअप के सारे स्टेप होने वाले हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास मास बीबी -बी क्रीम ये स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग बीबी क्रीम है और इसमें जो शेड है मेरे पास ये है मीडियम ये शेड इन्होंने ख़ुद ही मुझे सेंड किया था और इसका प्राइस है टू फोटी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मास्क कॉस्मेटिक के ये सारे अंडर रुपीज़ थ्री हंड्रेड के हैं सो यहाँ पे मैं बीबी -बी क्रीम को पहले डॉट डॉट करके फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हो मेरी चीक्स के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा रेड पैच हो गया है न इस बीबी -बी क्रीम को मैं अपने फाउंडेशन ब्लैंडिंग ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ ये कबू ब्लेंडिंग ब्रश है ब्लेंडिंग करते समय मुझे इस बीबी क्रीम का टेक्सचर काफ़ी थिक लगा मैंने हाइड्रेटिंग प्राइमर अप्लाई किया हुआ था स्टिल मुझे हल्का सा एफर्ट लगा इसको ब्लेंड करने में क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी थिक है ना अगर आप नोटिस करोगे मेरे फेस के ऊपर जो रेड पैच था वो इसने काफ़ी हद तक कवर कर दिया है तो इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है अगर बीबी -बी क्रीम के हिसाब से देखा जाए इवन फाउंडेशन के मुकाबले की कवरेज है इसकी सो so, मैंने अच्छी तरह से इसको फुल फेस के ऊपर ब्लेंड कर लिया ना और टेक्स्चर की बात करूँ तो आई थिंक इसको ना मेरे हिसाब से जिस तरह का इसका टेक्स्र है ये ऑयली स्किन के ऊपर भी काम कर जाएगी इसको आप सिलिकॉन वाले प्राइमर के साथ ऑयली स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग या डूई फिनिश वाला प्राइमर लगा के ही इसको यूज करो तो बीबी -बी क्रीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी कवरेज आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है सो नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ मास्क कॉस्मेटिका मास्क सील द डील कंसीलर इसमें उन्होंने मुझे प्योर बेज शेड सेंड किया है इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में है पीछे से अगर आप इसको प्रेस करते हो तो सामने की तरफ ब्रश दिया है तो वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाता है तो इस ब्रश की मदद से ही हल्का सा मैंने कंसीलर आईलिड के ऊपर अप्लाई किया ताकि जो भी डिस्कलरेशन है वो हाइड हो जाए आई अप्लाई करने से पहले और फिंगर टिप के साथ ही मैंने इसको ब्लेंड करके

फिफ्टीन आई शेडो पैलेट जिसमें मैट और शिमर शेड्स मिल जाते हैं तो सबसे पहले मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड पिक किया आई ब्राउ फिल करने के लिए सो so, मैंने ब्राउज को कोम किया एंड देन एंगल शेप ब्रश के साथ ब्लैक और ब्राउन शेड मिक्स करते हुए मैंने यूज किया है ना जो ब्राउन शेड है वो हल्का सा ना वाइन और गंदी कलर का टिंट देता है एंड ब्लैक इज सो मच पिगमेंटेड आप पिगमेंटेशन देख सकते हो अब आई लुक जो मैं आज करने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑरेंज शेड पिक किया ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर और इसको आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करते हुए अंदर की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ ये मेरा क्रीज कलर है एंड पिगमेंटेशन uh, आप देख सकते हो आई रियली लाइक द पिगमेंटेशन और कोई भी इसके फॉल आउट्स नहीं हो रहे थे सो so, मैंने अपर और लोअर लैशेज़ के ऊपर सेम शेड को अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया देन एक स्मॉल पेंसिल ब्रश के साथ मैं ये ब्राइट ऑरेंज शेड पिक कर रही हूँ और इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड जो मैंने पहले अप्लाई किया उसके ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम मैंने लोअर लैश लाइन पे भी इसको अप्लाई कर लिया और इसके बाद एक यू नो सेम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हुए दोनों शेड्स को बस मैं आपस में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस विजिबल ना रहे नाउ ब्राइट आई लुक के लिए मैंने ये सेंटर वाला जो स्काई ब्लू शेड है इसको पिक किया फिंगर टिप के ऊपर ही और फिंगर टिप के साथ ही मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया तो इसका पिगमेंट बहुत ही बढ़िया आ रहा था मैंने कोई एक्स्ट्रा कंसीलर नहीं लगाया नीचे कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं की जस्ट फिंगर टिप के साथ ही कलर को पिक करके आईलिड के ऊपर आई टैप करते हुए अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो बढ़िया कलर पिगमेंट दे रहा है और कलर जैसा पैन में दिख रहा है ना वैसा ही आइज़ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है सो फिंगर टिप के साथ उसको अप्लाई करने के बाद जिस मैंने फ्लैट ब्रश के साथ उसके आउटर है को सेट करके ब्लेंड कर लिया सेकेंड आई के ऊपर भी सेम आई शेडो अप्लाई करने के बाद काजल के लिए मैं मार्स का मिस मराइज काजल यूज़ कर रही हूँ इसका प्राइस 299 है नाएं और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे जेल काजल के जैसी लगी है सो so, जेल काजल जैसा इसका इफ़ेक्ट है लेकिन ये पेंसिल फॉर्म में है तो मैंने इसको लोअर और अपर वाटर लाइन पर टाइट लाइन कर कर अप्लाई किया इसका भी पिगमेंट काफ़ी बढ़िया था इंटेंस ब्लैक कलर आपको मिलता है एंड उसके बाद आई के लिए मैं मार्स आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ ये एक स्केच आई लाइनर है अल्ट्रा फाइन टिप है इसका और इसका प्राइस है वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ सो so, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है आई लाइनर अगर लिक्विड लाइनर के साथ विंग आई लाइनर नहीं लगा पाते हैं तो आप पेन वाला टिप वाला आई लाइनर यूज़ कर सकते हो जैसे कि ये यू नो लिक्विड आई है लेकिन ये पेन फॉर्म में है सो इसके साथ विंग आई आसानी से क्रिएट हो जाता है सो so, मेरा दोनों आँखों का लुक कंप्लीट हो गया आई शेडो की बात करूँ तो जो मैंने ब्लू शेड अप्लाई किया उसके हल्के से फॉल आउट हुए थे तो पाउडर ब्रश के साथ मैंने वो फॉल आउट्स पहले क्लीन किए और उसके बाद मेकअप के नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर से कंसीलर को अपने बैक ऑफ द हैंड पे ले रही हूँ और इसको मैं अभी अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी और थोड़ा थोड़ा मुँह के पास जहाँ पर मुझे हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है या जहाँ पर मुझे लगा कि बी क्रीम के साथ यू नो कवरेज प्रॉपरली नहीं आई है तो वहाँ पर मैं इस कंसीलर को ही डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ सॉरी डॉट डॉट अपलाई कर रही हूँ और एक छोटे कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ना अगर आपके घर में शादी फंक्शन है या आपकी बहन की शादी है तो उसके लिए ना मैंने एक वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट बनाया है बिगनर्स के लिए मैंने पिंक पर्पल आई मेकअप लुक रस्ट ऑरेंज आई मेकअप लुक और ग्लिटरी पिंक आई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है ऑलरेडी तो आप वो वाली वीडियोज़ देख सकते हो अगर आप बिगनर हो नहीं जानते मेकअप कैसे करें स्टेप बाय स्टेप गर्मियों में लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ मेकअप करने का तरीका आप सीखना चाहते हो तो ये वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा नौ कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अंडर आई एरिया पे कंसीलर को सेट करने के लिए अगेन मैं मार्स का ट्रेंडसेटर सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ और आइज के कॉर्नर में स्केच जो पेन आई लाइनर है उसके साथ थोड़ा सा मैं पॉइंटी लुक क्रिएट कर रही हूँ ताकि आइज़ जो है वो थोड़ी इलॉन्गेटेड दिखाई दें और मस्कारा के लिए मैं मास्क कॉस्मेटिक स्मेडिकल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी बजट प्रोडक्ट है और इसके साथ मैं एक ही कोट अप्लाई कर रही हूँ लैशेस के ऊपर एंड uh, अच्छा यू नो वॉल्यूम देता है ये लैशेस को कर्ल भी कर देता है और थिक दिखती हैं लैशेस नकली पलके लगाना अगर पसंद नहीं है यू कैन चेक आउट दिस मस्कारा इन बजट तो यहाँ पर आप दोनों आइज़ के ऊपर देख सकते हो एक तरफ मैंने मस्कारा अप्लाई किया दूसरी तरफ नहीं किया है ना मेरे पास कोई भी ब्लश अवेलेबल नहीं था मास्क कस्मेटिक का तो मेरा जो आई शेडो पैलेट है जो मैंने एज अ क्रीज कलर एज अ ट्रांसिशन शेड यूज किया था आंखों के ऊपर पाउडर ब्रश के साथ वही शेड पिक करते हुए बैक ऑफ द हैंड पे लेके मैं उसको चीक्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका राउंड फेस है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लैंड करते हुए जो ब्लश है अप्लाई करें इससे फेस पुल्ड बैक दिखाई देता है और रिसेंटली मैंने राउंड फेस के लिए हेयर स्टाइल टूटोरियल भी शेयर किए हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो आज की वीडियो में मैं हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ सो वीडियो पूरा

अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप इनके और दो वेरिएंट्स आते हैं वो चेकआउट कर सकते हो ना लिपस्टिक के लिए एक्चुअली कॉस्मेटिक ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था मैंने उनको डी किया था एंड दे सेट दे विल बी सेंडिंग मी द प्रोडक्ट्स तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आई शेडो में और लिपस्टिक में और ब्रिक हाईलाइटर में मुझे कौन सा कौन सा ऑप्शन चाहिए तो लिपस्टिक में मैंने ट्वेंटी थ्री कॉन्फिडेंट वुमेन शेड पिक किया था एंड ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया लकीली ये मेरे आई शेडो के साथ भी ना परफेक्टली मैच हो रहा था तो इसके साथ पहले मैंने लिप्स को आउटलाइन किया और फिर लिप्स को अंदर से फिल कर लिया अपना इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी लगा जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी लेकिन बाद में ये मैट फॉर्मेट में सेट हो जाती है और मेकअप को लास्ट स्टेप में मेकअप को सेट करने के लिए मैं अगेन मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर जो है पफ की मदद से फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो वेडिंग फंक्शन है या शादी पार्टी में, में मेकअप कर रहे हो तो मेकअप को सेट जरूर करना है ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आप सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो या पाउडर के साथ भी फुल फ़ेस को सेट कर सकते हैं सो ये थे मार्स कॉस्मेटिक के वो सारे प्रोडक्ट्स जो उन्होंने मुझे सेंड किए थे और मार्स के सारे प्रोडक्ट्स के साथ इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ना अब बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल की एक ईजी सा हेयर स्टाइल यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाली हूँ साइड से हेयर को पुल करके क्रॉस में पफ बना रही हूँ कुछ इस तरह से ताकि एक लेयर्ड पफ बने और पीछे टिक टिकट पिन के साथ हेयर को सिक्योर कर दूंगी अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना सीखना है तो रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था घर में शादी फंक्शन है तो हेयर स्टाइल कैसे बनाएं वेडिंग गेस्ट हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल का थिन हेयर के साथ आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो बिगनर्स के लिए बीबी -बी क्रीम के साथ फेयर एंड लवली बीबी -बी क्रीम के साथ मेकअप कैसे करें पॉन्ड्स बीबी क्रीम के साथ मेकअप करने का तरीका ये वाले वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं बीबी -बी क्रीम और सीसी -सी क्रीम में क्या फर्क होता है तो आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सो so, यहाँ पे मैंने दोनों साइड के ऊपर एक तरफ थोड़ा बड़ा पफ बनाया दूसरी तरफ छोटा सा पफ बना के सामने की तरफ से हल्के से फ्लिक्स ओपन कर लिए हैं और यह है मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक मार्स कॉस्मेटिक के साथ वन ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज करके घर में शादी फंक्शन के लिए मैंने इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट किया है बीबी -बी क्रीम के साथ मेकअप करने का यह तरीका बहुत ही आसान है जिसको बिगनर्स भी कर सकते हैं आई होप कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए भी हेल्पफुल रहा हो ना मार्स कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट आज मैंने ट्राई किए इसमें से मुझे आई पैलेट कंसीलर बीबी क्रीम काजल और मस्कारा सबसे बेस्ट लगा एंड पाउडर भी बहुत ही अच्छा लगा तो इन प्रोडक्ट्स के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इनको चेकआउट कर लीजिएगा और इस तरह के मेकअप करने के तरीके और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय